हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव गाइस। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या बीएससी मैथमेटिक्स की पढ़ाई बिना ट्यूशन के, यानी कि ऑफलाइन ट्यूशन के बिना क्या की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती, यानी कि क्या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ के बीएससी मैथमेटिक्स में अच्छा कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा और आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प होगा कि आप लोग एक सही डिसीजन ले सको स्टार्टिंग से ही। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा यार कि बीएससी मैथमेटिक्स जो है, जैसा आप 11th 12th में करते आए हो ना, वही काम यहाँ पे भी करना है। 11th 12th में जो आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर थ्योरी जो भी था, उसका ही एडवांस वर्जन आपको बीएससी में पढ़ना होता है। तो अगर आप 11th 12th में जिस तरीके से पढ़ाई की है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे बीएससी में भी पढ़ना है। बट यहाँ पे आप डिपेंड करता है कि आप क्या ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हो या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो। तो आज के टाइम पे देखो यार, एक तो कोविड चल रहा है, सबसे पहली बात कोविड चल रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि भैया कोविड चल रहा है तो आप ऑनलाइन जाओ। बट यहाँ पे अब फिर बात आती है कि क्या ऑनलाइन, मतलब एक बहुत ही दिक्कत होती है ऑनलाइन में कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, कि मतलब आज पढ़े, कल पढ़े, दो दिन तक लेक्चर देखे, तीसरे दिन मन करता है यार छोड़ो यार कल देखेंगे परसों देखेंगे। तो ये ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि क्या होता है ना कि आप जो आज पढ़ोगे कल नहीं पढ़ोगे, फिर परसों पढ़ोगे, मतलब आप एक, अब यहाँ पे ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में आपको जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, वहां पे आप नहीं पढ़ने के मूड में भी रहोगे तो क्लास में रहोगे, अटेंड करोगे, तो कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है यार चलो ठीक है। बट यार ऑनलाइन में क्या हो जाता है ना कि बच्चे अपने मन के मुताबिक काम करते हैं, वो अपने टाइम से अपना शेड्यूल सेट करते हैं क्लास का, बट वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। देखो, अगर आप ऑनलाइन में पढ़ाई करना चाहते हो, ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म को चूज कर लो स्टार्टिंग से। ये नहीं कि कुछ दिन यहाँ पढ़े, कुछ दिन यहाँ पढ़े, कोई टॉपिक क्या, आप एकदम कोचिंग की तरह ही उसे ट्रीट करो। मतलब मेरा समझ लो ना कि आप जैसे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हो, वैसे ही ऑनलाइन ट्यूशन भी आपको, मतलब ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर भी पढ़ना है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, ऑनलाइन में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन वही बच्चा पढ़ सकता है जो मैच्योर हो गया है, जिसके अंदर समझ आ चुकी है कि यार मेरे को लाइफ में कुछ करना है। क्योंकि अगर आप मैच्योर नहीं हो, आपके अंदर समझ नहीं आया अभी तक, तो आप दो दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन फिर आप खेल कूद में लग जाओगे या फिर मोबाइल चलाओगे उस टाइम पे। बट मेरा ये कहने का मतलब, अगर आप मैच्योर हो गए तो आपको ऑनलाइन कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना ऑनलाइन ऑफलाइन उनके बिना सेल्फ स्टडी से भी आप अच्छा कर लोगे। तो गाइस, आप लोग अब बच्चे नहीं हो, आपके अंदर मैच्योरिटी अगर आ चुकी है, आप समझ रहे हो कि आपको सच में यार कुछ करना है लाइफ में, तो आप ऑनलाइन कोचिंग से बिना किसी दिक्कत के बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, जहां से आप लोग बीएससी की मैथमेटिक्स जो है उसकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूँ, आप मेरे से भी पढ़ सकते हो, जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देखना, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आई होप मैं क्या कहना चाहता था आपको समझ में आ चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना जहां तक कर सकते, सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, सपोर्ट करना, ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा ज्वाइन करना, और भी डाउट्स है कुछ इसके अलावा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, फॉलो करने के बाद जो भी डाउट्स है वहां पे पूछ लेना। थैंक यू।